हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस सेशन में मैं आपको एक बहुत प्यारी स्टोरी बताऊंगा, स्वामी विवेकानंद के ऊपर है। एक बार क्या होता है, स्वामी विवेकानंद जी अपने जो लोटे हैं, लोटा जो जिसमें पानी भरा जाता है, उसको मांझ रहे थे, और ये काम वो डेली किया करते थे। डेली अपने लोटे को मांझते थे, 5 मिनट उस लोटे को देते थे। एक बार उनके स्टूडेंट ने पूछा स्वामी विवेकानंद जी के कि सर, इसको डेली मांझने की ज़रूरत क्या है, ये ऑलरेडी इतना चमकदार है, 2-3 दिन में एक बार मान लिया कीजिए, डेली 5 मिनट 10 मिनट इसमें वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हाँ, एकदम सही बात है, इसे डेली मानने की क्या ज़रूरत है, और उन्होंने मानना छोड़ दिया। एक बार फिर कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और बोला कि जाओ इसे थोड़ा चमका के ले आओ। वो लोटा जो है उसकी चमक काफ़ी जा चुकी थी 1 हफ्ते बाद। अब जब उसका शिष्य गया, उसने काफ़ी देर तक उसको मांजा, बट उसकी चमक वैसी वापस नहीं आ पाई जैसी पहले थी। उसने और भी बहुत मांझा, तब जाके वो थोड़ा चमका। तब स्वामी विवेकानंद जी ने उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। उनको बोला कि इस लोटे से सीखो आप लोग, जब तक इस लोटे को डेली मांझता गया, मैं जब भी इसको डेली मांझता था, इसकी चमक दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, और जैसे ही मैंने इसे मांझना छोड़ा, ये सोच के कि मैं 3-4 दिन में एक साथ इसको मांझ के चमका दूंगा, इसकी चमक जो है वो फीकी पड़ने लग गई। इसी तरह से प्रैक्टिस होती है आपकी। जब तक आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली एक डिसिप्लिन मैनर में पढ़ाई कर रहे हैं, आपका जो है एक लेवल अप, आप प्रमोट होते जाते हैं डे बाय डे। अगर आप ये सोचेंगे कि इस चैप्टर को मैं, इस सब्जेक्ट को मैं 4-5 दिन बाद एक साथ पूरा पढ़ लूँगा, तो आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे जिसकी ज़रूरत है आजकल के एग्जामिनेशन को फाइट करने के लिए। सो डेली प्रैक्टिस कीजिए, वर्क हार्ड कीजिए, और एक डिसिप्लिन मैनर में पढ़ाई कीजिए, बहुत सारा चीज़ एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मत छोड़ दीजिए। राइट एवरीवन, थैंक यू।